दिल्ली, जिसे कहते हैं दिलवालों का शहर। इस भागते दौड़ते शहर में सुकून की तलाश कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना? लेकिन इसी शहर में कुछ जगह ऐसी है जहां आपको एक अलग ही दुनिया देखने को मिलती है, और ऐसी ही एक जगह है दिल्ली में यमुना घाट, जहां आपको एक अलग और बहुत ही अद्भुत एहसास होगा। और यहां के लोगों के हंसते और मुस्कुराते हुए चेहरे ये बताते हैं कि कितनी सुकून और शांति से ये लोग यहाँ रहते हैं। तो आइए साथ मिलकर इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं दिल्ली में यमुना घाट को। एंड गाइस, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत सुंदर जगह है यमुना घाट। ये माइग्रेटरी बर्ड्स है ना, यमुना नदी के किनारे ना, में बहुत सुंदर जगह है ये। उनको मतलब चारों तरफ आगे देखो, कितना प्यारा व्यू। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल अगेन। मेरा नाम है परमदीप सिंह एंड आप सभी देख रहे हैं परम ऑन व्हील्स। और आज 14th November है एंड टाइम हो रखा है अभी सुबह के 5:30। अर्ली मॉर्निंग मैं जा रहा हूँ दिल्ली में एक बहुत ही प्यारी सी लोकेशन पे। आप सबको मैं लेके जा रहा हूँ आज दिल्ली में यमुना घाट पे। और देखो यार, ऐसा सीन क्या है कि अक्टूबर नवंबर के बाद ना वहाँ पे मतलब माइग्रेटरी बर्ड्स आ रखे होते हैं, एंड सनराइज और सनसेट का भी बहुत प्यारा दिखता है। लास्ट ईयर मैंने कैप्चर किया था सनसेट का व्यू, एंड इस साल मेरा प्लान है सनराइज का व्यू कैप्चर करने का। तो जल्दी से निकल रहे हैं, 5:30 बज चुके हैं, आधा घंटा लग जाएगा मेरे को पहुँचने में। 6 से 6:15 का बीच का टाइम है सनराइज़ का आज का, एंड निकलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मैं वहाँ पे पहुँच के आपको सारी डिटेल्स बताऊँगा कि आप किस तरह पहुँच सकते हो। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि दिल्ली में यमुना घाट बहुत सारी जगह है, बट आप बेस्ट सनराइज़ व्यू कहाँ से इन्जॉय कर सकते हो विद जो बर्ड्स होते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स, उनके व्यू के साथ, तो वो आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगा इस वीडियो में सारी डिटेल्स के साथ। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना एंड ये सनराइज व्यू ऐसे एंजॉय करो, बहुत प्यारा व्यू होता है। तो चलिए यार शुरू करते हैं अपना दिन एंड चलते हैं दिल्ली में यमुना घाट, लेट्स गो। कितना टाइम लग जाएगा अभी सनराइज में? सो गाइज, मैं यमुना घाट पहुंच गया हूँ, ये मेन एरिया है, एंड फटाफट से ना अभी अंदर चलते हैं जो मेन, जहाँ से व्यू दिखता है ना सनराइज़ का, क्योंकि ओ बर्ड्स भी दिख रहे हैं यार। एक्चुअली क्या है कि सनराइज़ ऑलमोस्ट होना स्टार्ट हो चुका है, पहले उसका व्यू कैप्चर कर लेते हैं बर्ड्स के साथ, फिर मैं आपको अच्छे से आसपास के एरिया भी दिखाऊंगा कैसा है यहाँ पे, एंड आप किस तरह यहाँ आ सकते हो सब दिखाऊंगा। आसपास के एरिया भी बहुत सुंदर है, मतलब आप देखिए एक ही बात बोलोगे भाई कि दिल्ली, ओ सॉरी, कि मतलब दिल्ली जैसे शहर में, दिल्ली जैसी मेट्रो सिटी में ऐसी जगह, बहुत प्यारी जगह भाई। सामने देखो यार क्या व्यू है। सो यार, ऐसा कुछ व्यू है यहाँ पे। हम उस साइड से बोट पे बोटिंग करके इधर आए हैं, मतलब बीच में यहाँ पे टापू पड़ता है इधर, और पीछे आपका वो लोहे का पुल है, उधर मैं अपना मेट्रो ब्रिज आ जाता है। उधर सनराइज़ का कुछ दिख रहा होगा आपको शायद, जो बर्ड्स की बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है, और जिस तरीके से इनकी जो चर्पिंग बोलते हैं ना, वो वाली चीज़ है। ये एकदम माइग्रेटरी बर्ड्स हैं ये, इन्हें शीगल्स बोलते हैं, जो कि अक्टूबर नवंबर से लेकर आपके मार्च के आसपास तक ही रहते हैं, इधर आते हैं। सो भाई उधर देखो, अब मैं जूम करके दिखाता हूँ, कितने सारे बर्ड्स एकदम से इकट्ठे हो गए हैं एकदम, कितना प्यारा व्यू लग रहा है। और उधर ना सनराइज की आपको व्यू दिख रहा होगा, अभी शायद देखकर लग रहा है कि थोड़े टाइम में, मतलब आधे घंटे के आसपास टाइम लगेगा, बहुत प्यारा व्यू दिख जाएगा, मतलब लेट्स सी, होप फॉर दी बेस्ट। और वो व्यू देखो भाई साहब, एक नंबर है। तो गाइस आप देख सकते हैं ना कितना प्यारा व्यू लग रहा है, मतलब देखो बात व्यू की ऐसे है कि यहाँ की जो वाइब है ना, वो ही आपको ऐसा लगेगा, सुकून वाली फीलिंग देगा आपको यहाँ पे अगर आप आओगे तो। सुबह के टाइम तो मैं पहली बार आया हूँ, लास्ट टाइम मैं जब आया था सनसेट के टाइम आया था, तो एक अलग वाइब थी, सनराइज़ की टाइम की एक अलग वाइब रहती है, और ये माइग्रेटरी बर्ड्स है ना, ये एड ऑन कर देते हैं इस व्यू में। तो बेस्ट टाइम टू विजिट मैं यहाँ पे बोलूँगा अक्टूबर नवंबर से लेके फेबर मार्च तक का, एंड यार काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप पीछे देखोगे ना मेरे, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आ रखे हैं, मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको सारे फोटोग्राफर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जगह जो है आपका
पिछले एक दो साल से काफ़ी फेमस हुई है और ये बेस्ट प्लेस टू फॉर फोटोग्राफर्स इन दिल्ली बोल सकते हैं। यहाँ पे प्री वेडिंग शूट भी होते हैं, यहाँ पे और भी यू नो मूवीज़ वगैरह छोटी छोटी जो मूवीज़ होते हैं ना उनके शूट भी होते रहते हैं और बहुत सही जगह है यार। अब सारे जितने बंदे ना सब फोटोग्राफर हैं, सबके हाथ में कैमरा है यहाँ पे। तो यार ये जो व्यू है ना, बर्ड्स की आवाज़ और ऐसा सुबह का टाइम का व्यू, पहले हमें लग रहा था कि शायद देखने को ना मिल पाए, थोड़ा क्लाउड्स मिक्स हो रखे थे, बट फाइनली टोटल वर्थ इट है भाई, टोटल वर्थ इट है। इतना प्यारा व्यू, अभी बोट पे जाएंगे ना वापसी तो आपको और अच्छे से दिखाएंगे। तो भाई ये था एक फीलिंग की, मतलब जब इनको दाना देते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है और प्लस ऐसे व्यू के साथ ऐड ऑन होता है तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई थोड़ा सा पुण्य कमा लिया हमने और अभिनंदन भाई की वजह से, है ना। अरे नहीं भाई, भाई एकदम सही से गाइड करते हैं ना। और मैं आपको बताऊँ, अगर आप अकेले भी आ रहे हो ना, अगर आप सोलो भी आना चाहते हो तो भाई बहुत अच्छी फोटोज़ भी क्लिक कर देते हैं और वीडियो भी बना देते हैं एकदम बेहतरीन वाली। तो भाई का नंबर मैं उसमें लिख दूंगा, आप देख लेना और आप कॉल कर, एक दिन पहले कॉल करके आना अगर सनराइज़ के लिए आ रहे हो तो, है ना। सनसेट के लिए तो सुबह कॉल कर देना, शाम को आ जाना, यहीं पे मिलते हैं, यहीं पे रहते हैं भाई, बहुत सही मतलब गाइड कर देंगे आपको। तो सर्दियों में आओ, तो मैंने बताया कि भाई अक्टूबर नवंबर से लेके फरवरी मार्च तक रहता है बढ़िया। गर्मी तो कोई आता भी नहीं होगा मेरे, गर्मी में तो आने की कोशिश ना करें भी लागू, क्योंकि भैया इतनी दूर से आए हैं, कुछ मिला भी नहीं आना भाई, सर्दी सर्दी होता है। सो गाइस अब वापस इधर आके जैसे हमने स्टार्ट किया था एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उत्कर्ष भाई हमारी बोट में थे और बात कर रहे थे तो उत्कर्ष भाई से पूछा, ये भी फर्स्ट टाइम मतलब सनराइज का टाइम, फर्स्ट टाइम सनसेट पे तो पहले आ रखे थे, तो भाई सनराइज का टाइम कैसा लगा? मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा यार, यूजुअली इवनिंग के टाइम पे बर्ड्स वगैरह दिखते नहीं है और सारी ब्यूटी यमुना घाट की बर्ड्स का छाम ही है। एंड पता है मैं एक चीज इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा, दिल्ली की ना यमुना रिवर देखो शान बोली जाती है, लाइफ लाइन बोली जाती है। तो और आप विंटर्स में आओ, और एक चीज़ यहाँ पे मैं इस भी बोलना चाहूँगा, सुबह का टाइम आओ क्योंकि सुबह का जो एक से दो घंटे टाइम रहता है ना वही बेस्ट टाइम रहता है। एंड भाई ने अपने कैमरे से कुछ सिनेमैटिक्स वगैरह भी लिए मेरे, सीख रहे हैं भाई से, सीख रहे हैं यार मैं भाई, मुझे मतलब यार आप तो फिर भी प्रोफेशनल हो भाई। और मैं एक चीज़ और एड ऑन करूँगा भाई, आप पॉडकास्ट स्टार्ट करो और हमें भी इन्वाइट करना। तो भाई फोटोग्राफर हैं और अभी भाई हमारे साथ ही थे, भाई कैसा लगा, कैसे क्लिक्स आए? क्लिक्स तो अच्छे आए हैं, बेटर देन एक्सपेक्टेड। ये देखो फोटोज तो, अरे यार अच्छा लग रहा है, लग रहा है कि अच्छे आए हैं। बड़ी दूर दूर से लोग आए, आप रह मतलब मेहरौली से आए हैं भाई पहली बार सुबह उठ के, तो उठ के नहीं बिना सोए बिना रात को सोए नहीं। तो भाई ये क्रेज़ है, मतलब देख रहे हो यमुना घाट का ये क्रेज़ है जो पिछले एक दो साल में बहुत मतलब बड़ा है। सो यार बहुत बेहतरीन दिन रहा, और इस शॉल देख रहे ना, ये अपना भाई कश्मीर वाला शॉल है, अगर आपने ब्लॉग देखा हो कश्मीर का तो वहाँ से लिया था मैंने पश्मीना शॉल। ये मैं लेके आया था कि सिनेमैटिक्स लेंगे, एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम किसी लोकेशन में जाते हैं ना तो प्रॉपर वाइब को फील करने के लिए ना भाई कपड़े भी वैसे हों तो मज़ा आ जाता है, ऐसा कुछ सीन था। तो यार एक ही बात बोलूँगा कि अगर आप दिल्ली में रहते हो या कभी दिल्ली आपका आना हो ना, यमुना घाट ज़रूर होकर जाना यार, यमुना नदी दिल्ली की लाइफ लाइन बोली जाती है एंड पूछते भी है यमुना नदी को, तो बहुत अच्छी जगह है और पवित्र जगह भी है। एंड यमुना नदी के किनारे ना हमें बहुत सुंदर जगह है ये, इसके आसपास आप देखोगे तो आपको एक गांव का कल्चर देखने को मिलेगा। एंड आप सीरियसली एक ही बात बोलूँगा, आप यहाँ पे आने के बाद ना आपको ऐसा फील होगा कि दिल्ली जैसी मेट्रो सिटी के अंदर है ऐसी जगह का होना, सुकून वो सुकून फील होता है यहाँ पे आके, तो एक ही यही बात है। बाकी यहाँ पे विज़िट करने के लिए ये है कि अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो निगमबोध घाट पड़ता है, उसके साइड से आना, कन्फ्यूजन होती है लोगों को क्योंकि बगल में शमशान भी है उसके अंदर चले जाते हैं। फर्स्ट टाइम जब आया था मेरे खास भी ये हो गया था, शमशान अलग है, ये यमुना घाट अलग है, ठीक है इस चीज़ का ध्यान रखना। प्लस बर्ड्स का व्यू यमुना घाट में यहीं पे दिखता है, ये निगमबोध घाट के पास में एक वजीराबाद वाला घाट है वहाँ पर बर्ड्स का व्यू नहीं दिखता, तो ऐसा है। और बाकी सारी डिटेल्स मैंने शेयर कर दी हैं
और कुछ पूछना था कमेंट्स में पूछना, वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स में बताना, और क्या अच्छा लगा वो भी, एंड वीडियो में कुछ अच्छा नहीं लगा ना तो ही बता देना। अभी मैं निकलता हूँ, कुछ खाया नहीं, वहाँ से भूख लग रही है, ब्रेकफास्ट करता हूँ कहीं बाहर जाके, एंड आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर, लाइक कर देना यार, बाय।